अप्रैल 2024 से अप्लाई हो जाएंगे और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में प्रेजेंट हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम यूके में प्रेजेंट नहीं है। मैं कुछ ऐसे स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि लाइक इन्होंने तो लोगों के लिए इम्पॉसिबल बना रहे हैं यहाँ पे रहना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हमजा एंड मानो इन यूके। मैं हूँ मानो। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव अपडेट्स लेकर आई हूँ यूके से रिलेटेड। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम यूके में प्रेजेंट नहीं है और आने का सोच रहे हैं या अभी उनका प्रोसेस चल रहा है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हम भी, और जो ये स्टेज है जो रिसेंटली अभी आए हैं या स्टूडेंट लेवल पे अभी, तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूके वेबसाइट पे मेंशन नहीं हुई, इनको कंसीडर किया जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे रूल्स थे जो कंसीडर किए गए थे और वो आने वाले टाइम में अप्लाई हो गए थे, इसी तरह इन न्यूज़ को भी अप्लाई करने का सोचा जा रहा है और ये अप्रैल 2024 से अप्लाई हो जाएंगे। तो आज था गाइज मेरा पहला रोज़ा और अभी इफ्तारी में कुछ टाइम है, मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, लेकिन अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो मैंने ये अपने नोट्स इसलिए रेडी कर लिए हैं, अब मैं इससे आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज ये है ILR से रिलेटेड। जो ILR आपको पता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हम कहते हैं, जिससे हमें यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए परमिशन मिल जाती है यूके की तरफ से, तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि लाइक इन्होंने तो लोगों के लिए इम्पॉसिबल बना रहे हैं यहाँ पे रहना। पहले तो उन्होंने ये कर दिया है कि जो आपका डिपेंडेंट होता था आप होते थे, आपको दोनों कंबाइंड सैलरी £18,600 शो करने पड़ते थे ईयर, और आप लोग के अगर किड्स आप लोग के साथ हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मनी शो करने पड़ते थे। अब लेकिन इन्होंने उस अमाउंट को £38,700 बढ़ा के कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और ये अप्रैल 2024 से अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज अब सेकेंडली आ जाते हैं कि जो लोग यहाँ पे मैरिज वीज़ा पे रह रहे हैं या फैमिली वीज़ा पे रह रहे हैं, 5 ईयर्स रूट होता था जो, अब इन्होंने उस रूट को बढ़ा कर 2024 से 10 ईयर्स कर देना है। 10 ईयर्स एक एक्सट्रीम टाइम पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, मतलब अब स्किल्ड वर्क पे भी या मैरिज करके भी 5 ईयर्स रूट पे नहीं, 10 ईयर्स रूट होगा ये। कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जो स्टिल 5 ईयर्स पे ही रहेंगे, बट मेजॉरिटी की बात अगर हम करें तो वो 10 ईयर्स रूट होने जा रहा है। उस 10 ईयर्स रूट को कंप्लीट करने के बाद ही आप ILR के लिए अप्लाई कर सकोगे। फिर ये जो ILR को अप्लाई करने के लिए फ़ी थी वो £2,885 थी, और उस फ़ी को भी बढ़ा दिया जाएगा 2024 में। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी सैलरी स्लिप्स भी शो करनी पड़ेंगी जो कि हाई थ्रेशहोल्ड के साथ होंगी। उसके बाद गाइज हम लोग आ जाते हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि ILR को अप्लाई करने के लिए हमें लाइफ इन यूके का टेस्ट देना पड़ता था, बट उसके साथ साथ अब आपको हाई लेवल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी होगी, हाई लेवल इंग्लिश टेस्ट भी आप लोगों को पास करना पड़ेगा। तो ये कुछ 5 ऐसी अपडेट्स थी जो कि मुश्किल होने वाली हैं बहुत सारे लोगों के, हर किसी का सिनेरियोज डिफरेंट है, हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट है। अब ये इंग्लिश वाला मे भी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर उसके बाद डिपेंडेंट, ओवरऑल इन्होंने बहुत मेस्ड अप कर दिया, लाइक रूल्स बिकम मोर डिफिकल्ट विद द टाइम, और मेरे ख्याल से ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। हम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और एक सेटलमेंट का जिनका एक प्लान होता है, ये उस प्लान को क्या कहते हैं चौपट करने की इन शॉर्ट कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कैनेडा ऑस्ट्रेलिया अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये रूट भी बहुत छोटा है और उनके लेवल में ये बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। तो गाइज आई होप विद द टाइम चीज़ें बेटर हो जाएं और आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो, हमारे लिए भी आसानी पैदा हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।